सांबल के माध्यम से हम बहुत सारे उदाहरण इस वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम सूत्र के ऊपर हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी मैंने बताया ये इतना पर्याप्त है। और एक सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। मानस रोगों से अगर हमें लड़ना है तो क्या करना है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करो, मानस रोगों से निजात पाओगे। कितने, मैं डॉक्टर हूं, 17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं अकोला के जवाहर नगर में, मैं देखता हूं कितने सारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब माइग्रेन है, डॉक्टर साहब बहुत क्रोध आता है, डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, डॉक्टर साहब जीने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लगता है मर जाऊं सुसाइड कर लूं, है ना, डॉक्टर साहब कुछ उपाय बताइए, कुछ गोलियां दीजिए। अब दवा से तो कुछ उपाय होगा भी, लेकिन साथ में अगर हम तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान कर लेते हैं तो बड़ा उपचार हो जाएगा। तप का अर्थ क्या होता है, हमारे कर्म के प्रति प्रामाणिकता होना, इसको बोलते हैं तप। अगर मैं लेक्चरर हूं तो मैं 8 घंटे तक 10 घंटे तक काम करूं, यह है तप। अगर मैं डॉक्टर हूं तो 10 घंटे तक पेशेंट को देखूं, यह है तप। यहां तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में ड्यूटी रहती है 10 घंटे की, 2 घंटा भी काम नहीं करते तो कैसे नहीं होंगे मानसिक। और वही लोग फिर मानसिक हो जाते हैं, लाखों रुपया पगार मिलता है और लाखों रुपया ट्रीटमेंट में खर्च कर देते हैं, कैसे नहीं होगा खर्च, क्योंकि आप तप ही नहीं कर रहे हो। तप नहीं करोगे तो फिर मानसिक तो हो ही जाओगे, ठीक है। तप स्वाध्याय है ना, करना क्या है यह भी समझना पड़ेगा, उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्व का अर्थ होता है मैं, और मैं का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा का अध्ययन करो, उपनिषद पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, वेद शास्त्र पढ़ो, दर्शन शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, उपपुराण पढ़ो, या फिर 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत पढ़ो, उससे ही स्वाध्याय हो जाएगा। तो दूसरी बात आ जाती है स्वाध्याय, ये निरंतर करना, एक बार कर लिए और छोड़ दिए ऐसे नहीं चलेगा, बीच बीच में करते रहना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने हमें एक आशीष दिया है भूलने का, है ना, भूलना एक आशीर्वाद है, नहीं भूलते तो पागल हो जाते। आज भी वो, मैं जब 5 साल का था और उसने मेरा अपमान किया, मैं भूला नहीं हूं। लोग जी नहीं पाते इस न भूलने के कारण से, हम बहुत कुछ भूल जाते हैं इसलिए जी पाते हैं, नहीं भूलेंगे तो फिर तो पागल ही हो जाएंगे, ठीक है। तो एक भगवान ने वरदान दिया, इसलिए तो ये थोड़ा बार बार अपडेट करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तो एक बार पढ़ लेते हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ईश्वर प्रणिधान जो भी किया है उसको समर्पित कर दो, आई एम नॉट अ क्रिएटर, आई एम अ मीडिएटर, ये धारणा रखनी है कि मैं तो करता नहीं हूं, मैं तो माध्यम हूं, मैं तो निमित्त हूं, जो भी कर रहा है वो परम प्रभु परमात्मा कर रहा है, उसकी इच्छा से ये सब कुछ घटित हो रहा है। ईश्वर प्रणिधान जो भी किया है उसके चरणों में समर्पित कर देना है, तो अहंकार नहीं बढ़ेगा, ईगो नहीं बढ़ेगा। नहीं तो आजकल देखो समाज में, है ना, नाक साफ करने को नहीं आता और ईगोस्टिक नेचर प्रदर्शित कर देता है छोटा बच्चा, छोटे से लेकर बड़ों तक सभी में ईगोस्टिक नेचर है। क्यों है, क्योंकि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैं तू तू चालू है। ये क्यों चालू है, क्योंकि हमें ईश्वर प्रणिधान पता ही नहीं है, ये उपाय ही पता ही नहीं है। तो ये 3 उपाय भी कर लिए, वैसे बहुत सारे उपाय है इसके, इसको बताने के लिए मेरे पास इतना समय भी नहीं है, लेकिन 3 उपाय कर लो, बहुत ही सीधे साधारण उपाय मैंने बताए, प्राणायाम और आसन तो मैंने बताया नहीं क्योंकि ये थोड़े कठिन उपाय हैं, साधारण उपाय बताए, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। और इसको ही महर्षि पतंजलि क्या बोलते हैं, कर्म योग बोलते हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। तो ये आज का मेरा विषय था। देखो शारीरिक रोग तो बहुत कम है, लेकिन मानसिक रोगों से लोग बहुत गूंज रहे हैं, जूझ रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, घरों में संघर्ष हो रहा है। मेरी बहू ने ऐसा कहा, मेरी
सासू माँ ने ऐसा कहा, एक बेटा बोलता है मेरा बाप तो मुझसे बात ही नहीं करता और मुझे भी मेरे बाप से बात नहीं करनी है। मेरे भाई ने तो ऐसा ही किया, मेरी बहन ने तो ऐसा ही किया। घरों घरों में संघर्ष चल रहा है, देखा जाए तो पूरा समाज बीमार है मानसिक दृष्टिकोण से, है ना। तो ये मानसिकता जो है हम नियमित कर सकते हैं, उसको संतुलित कर सकते हैं इन चिकित्सा सूत्रों के माध्यम से, इन महर्षि पतंजलि के सूत्रों के माध्यम से, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 30 मिनट का ही व्याख्यान था, मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है। अमित मिश्रा सर ने मुझे बोला था कि सर अगर आप ज्यादा लेना चाहे तो कोई बात नहीं ले लेना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। वैसे तो 30 मिनट का ही था, फिर भी आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें मैं 5 मिनट देना चाहूंगा। अभी वो बंद कर दो, ये तानपुरा बंद कर दो।